अभी हम उत्कर्मित मध्य विद्यालय चंडोस मठिया पर स्कूल में खड़ा है और ये उत्कर्मित मध्य विद्यालय मठिया पर चंडोस जो पटना जिला और अरवल जिला के बीचों बीच में है, यानी कि यहाँ के कुछ दूरी के बाद से पटना जिला के सीमा समाप्त हो जाता है और उसके बाद से अरवल जिला आता है। तो ये स्कूल का देखिए, यानी कि उत्कर्मित मध्य विद्यालय चंडोस मठिया पर थाना पालीगंज पटना का ये स्थिति है। यहाँ पर नल बनाया गया था, नल लगाया गया था बच्चों को पानी पीने के लिए, इस स्कूल के बच्चों को पानी पीने के लिए, लेकिन देखिए नल का क्या स्थिति हुआ है, नल कैसे यहाँ पर पानी निकलता हुआ नल से आप खुद ही देख लीजिए क्या स्थिति बना हुआ है। यहाँ पर एक कल भी है जो देखिए ये हाल है कल का, ये बना हुआ है, कल से भी पानी नहीं निकलता है। एक और कल इस स्कूल में एक और कल बना हुआ है, इस स्कूल में एक और कल बना हुआ है, इसका भी स्थिति देख लीजिए, ये पानी कहाँ रहा है देखिए, ये भी गया हुआ है और है वहाँ भी चलता है, चलता है कि नहीं है, कुआं है तो कुआं से पानी बच्चा लोग पिएगा, कुआं भी भर गया होगा। एक और कुआं कल है, बाथरूम भी नहीं चलता। हाँ चलो देखते हैं यहाँ का, तो ये स्थिति है इस तो अभी इस स्कूल के दो कल जो था, दो कल का घोटाला हुआ था वो मैं आपको दिखला दिया कि कैसे दो जो कल था वो चलता नहीं है। ये तीसरा कल है इसी स्कूल में, सोच लीजिए कि स्कूल में कितना पैसा घोटाला हुआ है, कितना पैसा फंड पास हुआ है, तीन तीन कल और जल भी एक भी कल से नहीं निकल रहा है, ये भी सोच लीजिए, सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि कैसे फंड पास होता है, उसमें किस तरह से घोटाला हुआ, घोटाला ही नहीं डकैती हुआ है। और ये देखिए ये यहाँ का शौचालय है, देखिए शौचालय ताला बंद है और इसमें जाते हो बाबू पर नहीं जाते हैं, एक दिन नहीं दिया है, घुसवा नहीं किया, पानी कहाँ से पीते तुम लोग, पानी उधर से होने से साधु बाबा के अथी में से पीते हैं, जगशाला में से, देखिए टॉयलेट है देख लीजिए, ये स्थिति बना हुआ है ऐसे, कहाँ है टॉयलेट कहाँ है, और आइए इधर, चलो ही बताएगा ये इस स्कूल के बारे में, बताओ कौन क्लास में पढ़ते हो, एट में, हाँ मेरा नाम सनी देवल है, सनी देवल है, वाह सनी देवल है, रोज पढ़ने आते हो, हाँ हाँ पढ़ाई होता है, हाँ नहीं होता है कोई, हाँ। अथी खाली गणित पढ़ा के छोड़ देते हैं, हाँ। ना पैसा देते हैं ना कुछ देते हैं, छात्रवृत्तियों के नहीं, हाँ। कुछ नहीं देते हैं, पाँच साल से एक और रुपया नहीं मिला है, ना खाना बन रहा है, ना चावल मिल रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ नहीं मिला है, फिर पढ़ाई नहीं है, खाली कह रहे हैं झूठ मूठ के इंग्लिश पढ़ाई होता है, इंग्लिशो नहीं पढ़ाई होता है, नहीं होता है, पढ़ाई नहीं होता है, किताब के पैसों लाना, किताब के पैसों नहीं आया, नहीं होता है, पढ़ाई कभी नहीं होता है, नहीं कोई एक बना के छुट्टी हो गया, आज आज छुट्टी हो गया, टाइम कितना बजे छुट्टी हुआ है, डेढ़ बजे, एक बजे, एक बजे छुट्टी हुआ है, एक बजे छुट्टी, हाँ राशन भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, नहीं ना पैसे मिलता है, नहीं मिल रहा है, कहा जाता है कि पैसा मिलेगा, पैसा भी नहीं मिल रहा है, कौन क्लास में पढ़ती हो बाबू, सेवन में, देखिए सेवन क्लास की एक छोटी सी बच्ची है और यहाँ के बारे में, यहाँ के भ्रष्ट टीचर और भ्रष्ट लोगों के बारे में बता रही है कि ऐसा स्थिति हुआ है, डरो नहीं, डर नहीं लग रहा है, दो साल से खाना नहीं बन रहा है जब से लॉकडाउन हुआ है, हाँ ऐसे ही, बोलो राशनो नहीं मिला, पढ़ाई होता है ना, खाली गणित जोर घटा पढ़ाई होता है बस, अब फिर बंद टिफिन हो जाता है, बोलो जोर घटा वेल्सम हो गया, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है, राशनो नहीं मिलता है ना पैसे मिलते हैं, पढ़ाई पढ़ती पढ़ने नहीं जाती हो, पढ़ने नहीं जाते हैं, ये पढ़ती है, बाकी पढ़ती है, सेवन में है, ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से हम लोग सीख रहे हैं, ये पढ़ाई नहीं होता। अगर इस स्कूल के मास्टर साहब देख रहे हैं इस वीडियो को तो देखिए इस बच्चे को, इस छोटे छोटे बच्चे को भविष्य मत बर्बाद कीजिए, नहीं तो आप लोग का बहुत बड़ा कार्रवाई होना चाहिए और यहाँ के जो टीचर हैं उन लोग पर भी कार्रवाई होना चाहिए, साथ ही साथ इस स्कूल में जो भी भ्रष्ट काम कर रहे हैं उन पर भी घोटाला जो लगा रहे हैं हमेशा कल नल जल जो भी में उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि बच्चे झूठ कभी नहीं बोल सकते हैं। खाली मोबाइल देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं कुर्सी पर, अब जाते हैं तो तन मन जोर दे देते हैं, आ जाते हैं बस, कभी ऐसा पढ़ाई होता है, क्या बच्चे का भविष्य बनेगा, कैसे हमारे इस गांव के हमारे राज्य के बच्चे जो हैं कुछ अच्छे कर पाएंगे,
उनका कैसे भविष्य आगे बढ़ेगा, इस तरह से अगर स्कूल में पढ़ाई होगा तो। अच्छा मैडम के बच्चे लोग पढ़ने यहाँ आते हैं? नहीं, कोई नहीं। मैडम के कोई बच्चा साथ में यहाँ पढ़ने नहीं आता? नहीं, 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 नहीं। यहाँ के जो टीचर हैं इस स्कूल के, अपने बच्चे को भेजते हैं CBSE स्कूल में पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा बच्चा जो है अच्छा पढ़े और अच्छा नाम करे। 3-4 ट्यूशन लगाए हुए होंगे, लेकिन ये सब बच्चे को क्या है, यहाँ पर आते हैं गाना सुनने के लिए कि पढ़ाने आते हैं? गाना सुनते हैं और चले जाते हैं। मिलता है 15 किलो तो देते हैं 10 किलो। छोड़ो राशन, छोड़ो ना, पहले पढ़ाई होता है कि नहीं होता है? नहीं, नहीं होता है। देखिए तो ये स्थिति है इस स्कूल का, इस बच्चे का। देख लीजिए बच्चे को जुबानी, आप देख रहे थे CKTV इंडिया न्यूज, चित्रंजन कुशवाहा के साथ, कैमरामैन प्रिंस के साथ। नमस्कार, जय हिंद।